हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अभी मैं फिजिक्स की दो बहुत ही पॉपुलर बुक एससी और मॉर रेसनिक हेलिडे इन दोनों बुक्स की कंपैरिजन करूंगा, मतलब कि इन दोनों बुक की रिव्यू करूंगा, कौन सी बुक बेहतर है जो आईटीजेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए हम लोग देखते हैं कि किस बुक को हमें फॉलो करनी चाहिए। स्टूडेंट जैसा कि फिजिक्स की जब भी किसी बुक को कंपैरिजन करना होता है, दो बुक को कंपैरिजन करना होता है, तो दो पैरामीटर होते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या थ्योरी और न्यूमेरिकल में डिफरेंसेज है दोनों बुक में। स्टूडेंट लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेसनिक हेलिडे जो है ये बुक बहुत पुरानी बुक है, एससी और मॉर के बुक के आने के पहले से, बहुत पहले से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, ये बुक बहुत ही पहले आ चुकी थी। तो इस बुक को निश्चित रूप से, और ये इतनी फेमस और पॉपुलर बुक है कि इस बुक को निश्चित रूप से एससी और मॉर साहब ने भी पढ़ा होगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एससी और मॉर के बुक को लिखने में रेसनिक हेलिडे का योगदान है निश्चित रूप से। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, और उसके बाद इन दोनों बुक्स को आज कंपैरिजन की जा रही है या बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं, तो नो डाउट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। स्टूडेंट चलिए हम लोग पहले देखते हैं थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी की जहां तक बात करें तो एससी स्टूडेंट रेसनिक हेलिडे जो है नॉट ओनली कंपेयर टू एससी वर्मा, सिर्फ एससी वर्मा के कंपैरिजन में ही नहीं, रेसनिक हेलिडे फिजिक्स की अब तक आपने जितनी भी बुक पढ़ी है या सुनी है, जिन भी बुक्स की नाम सुने हैं, तो रेसनिक हेलिडे उन सारे बुक्स में टॉप लेवल पे है, टॉप की बुक है। थ्योरी में कहीं भी कोई भी दूसरी बुक रेसनिक हेलिडे के कहीं से भी पैरेलल में नहीं आती है। इतनी अच्छी थ्योरी लिखी गई है, इतने अच्छे ढंग से समझाई गई है, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं होते हैं, लेकिन आपको ये बोझिल नहीं होने देगा, माइंड दिमाग पे एक होता है ना कि जोर लग रहा है। अब डायरेक्ट अगर आपने कहीं बेसिक नहीं पढ़ा, आप एससी वर्मा की थ्योरी को पढ़कर देखें, या जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो उनको रियलाइज होगा, आपको लगता है, आप फील करते हैं कि भाई फिजिक्स टाइप का कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं। क्लियर है? लेकिन रेसनिक हेलिडे में ऐसा नहीं होगा, आपको मजा आएगा। सिस्टमैटिक ढंग से इजी लैंग्वेज में दी गई है, जहाँ तक पॉसिबल हो पाया है रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हुए दी गई है, तो मज़ा आता है। जबकि ये बात एससी वर्मा के साथ बिल्कुल नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। थ्योरी के लिहाज से रेसनिक हेलिडे कहीं 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 बेहतर है एससी वर्मा के कंपेरिजन में। स्टूडेंट लेकिन जो बात आती है रेसनिक हेलिडे, आपको पता होगा कि ये किसी पार्टिकुलर एग्जाम, मतलब आईआईटी या नीट को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है ये बुक। मतलब ये टू द पॉइंट, जो आपके ज़रूरत की बात है, जो आपके लिए ज़रूरत है कि भाई आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा बुक चाहिए जो उसके पैटर्न को ध्यान में लिखी गई है या फिर उसके पैटर्न को फॉलो करती है। तो रेसनिक हेलिडे के साथ ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बुक जब लिखी गई तो नीट वगैरह का तो नाम भी नहीं था उस टाइम में, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रेसनिक हेलिडे एक जनरल बुक है, आपको हाँ जो भी आपको सिलेबस पढ़ना है आईआईटी नीट में ऑलमोस्ट सारे के सारे सिलेबस इसमें कवर किए गए हैं, बल्कि और एडिशनल भी आपको दिए गए हैं। तो ये एक बात है, आप सारे थ्योरी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। जबकि एससी वर्मा भी हालांकि कम्प्लीटली आईआईटी या नीट को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है स्टूडेंट, पता होगा आपको, लेकिन ये इसका जो पैटर्न है ये बहुत हद तक आईआईटी या नीट के पैटर्न से मैच करता है, उसको फॉलो करती हुई ये बुक है। तो उस लिहाज से एससी वर्मा बेहतर है। हाँ, अब अगर जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है, जस्ट अभी 11th में आए हैं, अगर आप कहीं कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, कहीं किसी चैनल के बेसिक थ्योरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उस केस में अगर आप चाहते हैं कि भाई हम किसी एक बुक को पढ़ें और हम आराम से समझते चले जाएँ, तो रेसनिक हेलिडे बेहतर है। चूँकि आप एससी वर्मा के थ्योरी को डायरेक्ट पढ़कर कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एससी वर्मा टू द पॉइंट उस चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल्स भी ऑब्वियस है, रेसनिक हेलिडे में न्यूमेरिकल्स भी उस लेवल के नहीं दिए गए हैं, उस पैटर्न को आपके 11th या 12th बोर्ड लेवल के एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए, आईआईटी के पैटर्न या नीट के पैटर्न को देखते हुए उसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। एक जनरल आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नो डाउट, और कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगी रेसनिक हेलिडे में। लेकिन जो आपके ज़रूरत की चीज़ है कि आपको टू द पॉइंट जो आपके पैटर्न को फॉलो करती हुई हो, तो ये बात एससी और रेसनिक हेलिडे में न्यूमेरिकल्स में भी नहीं आती है। जबकि एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स जो है आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से
शुरू के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इजी है, फिर धीरे धीरे उस उन क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया है। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो थ्योरी अगर आपने कहीं बेसिक अगर आपने कोचिंग ट्यूशन लिया है उसके थ्योरीज को पढ़ लिया है तो एससी वर्मा की इनफैक्ट थ्योरी को ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को बनाएं, सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सारे बुक को जो भी आप एससी वर्मा बुक फॉलो कर रहे हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि 20 साल के जो भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशनिक हेलीडे का आप स्टूडेंट एक तरीके से यूज कर सकते हैं। रेशनिक हेलीडे को आप एज ए रेफरेंस आप इस बुक को रखें अपने पास, जैसे आपने कहीं थ्योरी पढ़ा, आपने कोई पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ा, कहीं मान लिया आपने समझिए रोटेशनल डायनेमिक्स में मान लिया टॉर्क पढ़ा, आपका टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ उस केस में आप क्या है कि रेशनिक हेलीडे बुक ओपन करें और वहाँ पे जाके उस पार्टिकुलर थ्योरी को पढ़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को या कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप रेशनिक हेलीडे को मेरा सजेशन है कि आप एज ए रेफरेंस रखें, बहुत ही अच्छी बुक है, कभी जब मन नहीं लग रहा है तो ऐसे आपके पास एक्स्ट्रा कुछ टाइम है, चूँकि आपको पढ़ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं, कभी एक्स्ट्रा टाइम है कुछ वैसा कुछ कहीं पे कुछ डाउट आपका रह गया है तो आप इसी रेशनिक हेलीडे के बुक को खोलें और पढ़ें। बाकी इन जनरल बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद कहीं भी कोचिंग ट्यूशन आप ले रहे हैं उसको पढ़ने के बाद ये एससी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और 20 ईयर्स के क्वेश्चन, दैट वेरी वेरी सफिशिएंट। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा नेक्स्ट थ्योरीज वगैरह जो चल रहा है, जो भी चैप्टर चल रहा है उसके साथ। थैंक यू।